कल तक जो बात कह रहे थे कि भैया 70-30, 60-40 है, आज फारूक कुछ थोड़ा सा अलग बोल रहे थे शो शुरू होने से पहले, इस वीडियो से पहले। फारूक कह रहे थे, फारूक बताओ क्या कह रहे थे। यार अब हार गया मतलब कल तक मैं पाकिस्तान को बहुत फेवर कर रहा था, लेकिन आज जिस तरह से पाकिस्तान ने खेला है वो उसने बता दिया कि भैया मेरी साइड मत लिया करो, मैं किसी की साइड नहीं हूँ, तो तुम अपने ही साइड ले लो, मेरी साइड मत लो। आज जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने आकर के पाकिस्तान को एकदम मतलब रूट से काट दिया कि भाई ऐसा है, ठीक है कल आप गिरे थे, आप बाबर इमाम कर रहे थे, नाइट वॉचमैन भेजा था कोई काम नहीं आया, और ऑस्ट्रेलिया बीइंग ऑस्ट्रेलिया आपको नहीं मौका दिया उन्होंने, और दिन का जो पहला सेशन होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है उस सेशन में आकर के डोमिनेट करा और पूरी तरह से पाकिस्तान को गेम से बाहर कर दिया। अब यहां से पाकिस्तान को वापस आना इज इम्पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल, काफी नहीं। मैं तो भाई मैं कल तक बहुत फेवर में था, अब ब्रेकअप हो गया आज मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ठीक है, क्योंकि असल में क्या विकेट जब आ जाता है ना पहली, मतलब बिना बॉल के थोड़ी सी आपकी उम्मीद जग जाती है। तो फारूक ने जो बात कही कि ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग भी बहुत शानदार की, तो सबसे पहले उन्होंने नाइट वॉचमैन को खत्म किया, खुर्रम शहजाद को, पैट कमिंस आके बोल्ड मारते हैं, फिर बाबर आजम आते हैं तो मिच मार्शन को ले जाते हैं, सरफराज को, मिचेल स्टार्क की वो इन स्विंगर, मतलब कमाल की बॉल, वो बॉल ऑफ द मैच, वो जबरदस्त। हाँ यार मतलब किसी भी पेसर की ड्रीम डिलीवरी है वो, मतलब कि है ना वो मतलब पता है क्या, तीन स्टंप रहती है ना, आप किसी भी स्टंप को जब कंप्लीटली हिट करते हो ना बहुत दूर गिराते हो, जब कंप्लीटली हिट करते हो तो वो स्टंप का जो फ्लिप होता है ना वो कार्टव्हील जबरदस्त होता है, और वो मजा आ गया देख करके। आप किसी को ही फॉलो कर रहे हो, अगर क्रिकेट को देखते हो, क्रिकेट मजे से देखते हो, तो वो वाली बॉल आप भी चाहोगे ही करो। बिल्कुल। साउद शकील की बात हो रही थी, साउद शकील जिनके बारे में एक एक्सपर्ट ने कहा था कि यार बाबर आजम से ज्यादा जी शानदार है और हाँ ये बाबर आजम के सामने दब जाते हैं, दब दिखते जाते नहीं हैं। सिमोन कैटिच ने कहा था, आई गेस सिमोन कैटिच, हाँ सॉरी माय बैड, हाँ तो साइमन कैटिच ने ये चीज कही थी। तो आज बाबा साउथ शेख के पास मौका था, हेजलवुड ने कहा कि रुको जरा अभी भैया हम हैं, वो ले जाते हैं, आगा सलमान नॉट आउट रह जाते हैं, ये थोड़ा सा अच्छी चीज लगी पाकिस्तान के लिए, एक पॉजिटिव। बाकी भैया कोई नहीं टिकता, बॉलिंग में मोर और लेस सबने काम किया। सबसे अच्छी चीज ये कि मतलब आप ये नहीं कहेंगे कि आपका एक बॉलर ऑफ द डे रहा, एज अ टीम लेके गए नाथन लियोन स्पिनर, वही कह रहा हूँ ना, मेरी शुरू से पाकिस्तान से ये शिकायत है भैया आपने स्पिनर खिलाया है, स्पिनर क्यों नहीं खिलाया, मतलब आपको स्पिनर खिलाना बनता है। अब देखिए क्रैक्स बहुत हेल्प करने वाले हैं, और लास्ट में बैटिंग आपको खुद करनी है। यहाँ पर आपको भले पहली विकेट मिल गई, चलिए ठीक है, डेविड वॉर्नर को आपने चलता बन कर दिया, वहां पर माइकल जॉनसन को, मिचेल जॉनसन को खुश कर दिया आपने, ठीक है वो सब सही चलेगा, लेकिन यहाँ से आपको स्पिनर की जरूरत है। आपके पेसर बहुत हेल्प नहीं करेंगे, बिकॉज पिच ऐसी हो गई ना, मिल गई विकेट वो अलग सी बात है, मिल जाएगी आगे वाले, लेकिन अगर आपको स्पिनर होंगे तो आप डोमिनेट कर सकते हो। अब चाहे तो जो आपका स्लोग बचे हैं उनसे ही बोलो कि यार कुछ ट्राई करो, नहीं तो अगर आपका सबरार वगैरह होते तो वो हेल्प करते और इस पिच पर विकेट निकाल कर देते आपको। बिल्कुल, नाथन लियोन ने 3 विकेट लिए, उसका मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क 2, जॉश हेजलवुड 1, पैट कमिंस 2 और मिच मार्श और ट्रेविस हेड 1-1 विकेट। ट्रेविस हेड विकेट हमेशा लेकर चले आते हैं, मैं वही कह रहा हूं, और दो ओवर डाले, जी हां 2 विकेट डाले, विकेट लेकर गए। तो ये कमी देखो हमें पहले भी दिखी है कि आपको, ठीक है आपने वैसे अबरार को आपने कुछ ज्यादा करवा दिया प्रैक्टिस मैच में, इस वजह से वो इंजर्ड, इस वजह से भी इंजर्ड हो गए होंगे, कि आपने प्रैक्टिस में उनसे इतनी बॉलिंग करा दी कि वो मेन मैच के लिए रेडी नहीं हो पाया, मेन मैच से पहले इंजर्ड हो गए, आपको कुछ ऐसा लेकर के चलना था, और अगर अबरार नहीं तो आपके पास और स्पिनर्स ऑप्शन होने चाहिए थे जो कि फिलहाल नहीं है। तो यहां से अब ऑस्ट्रेलिया के पास लीड भी ठीक ठाक हो गई है, अभी मैच शुरू ही हुआ है, 1 विकेट कुल गिरी है, 200-250 रन की लीड हो गई है। अब इसको ऑस्ट्रेलिया कितना ऊपर, अगर सोचे ना ऑस्ट्रेलिया का 150 रन ही मार देती है, 400 रन बनाना इज इम्पॉसिबल, 219 की लीड अभी है, भाई मैं कह रहा हूँ 170 ही मार देती है, 400 बनाना इज इम्पॉसिबल, बिल्कुल बहुत ही मुश्किल है इस बॉलिंग। तो यहाँ से आपको ड्रॉ करना, देखिए तीसरा दिन है, ये दिन खत्म होगा 4 और 5, मैं वही कह रहा हूँ ना, हारने के अलावा ऑप्शन ड्रॉ तो नहीं, यहाँ पर नहीं है, मैं बदल गया कल के बाद, मैं बता रहा हूँ, मैं कल जो बात कर रहा था वो सिर्फ इसलिए कर रहा था, मुझे उम्मीद थी आपको बाबर से, मुझे उम्मीद थी इमाम से कि ये आकर के रुकेंगे, कुछ तो परफॉर्म करेंगे। आपको इतना बड़ा टारगेट चेस कर रहे हो आप, 219 रन की लीड नहीं दोगे इनको, कम से कम आप 100 रन, 50 रन या हो सकता है और खेल जाओ, बड़ी पारी खेल जाओ, क्योंकि आप पर सवाल उठ रहे हैं, कप्तानी छोड़ दी है आपने, अब आपके पास सिवाय बल्लेबाजी के कुछ नहीं है, आपको अपनी बैटिंग से अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा आज नहीं तो कल, वरना फिर सब्स्टिट्यूट होने में कितना टाइम लगता है भैया। कोई दिक्कत नहीं, देखो जब दूसरे देश के लोग कह रहे हैं ना कि आप बाबर आजम से ज्यादा बेहतर हैं साउथ शकील,
तो हो सकता है जहन में अपने अहल वालों के भी आ जाएगी, ठीक है ना, साउथ के लिए तो दूसरा खिलाड़ी ढूंढते हैं, क्या फायदा, साई मयूब को मौका दीजिए। पहले कहते थे भाई कप्तानी के प्रेशर से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, कप्तानी प्रेशर नहीं कर पा रहे, ठीक है जी, कप्तानी हटा दी गई, अब आप यहाँ पर वो मोमेंट है जहां पर आपको खड़े होकर एकदम खूंटा गाड़ के खड़ा हो जाना है कि भाई ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करके मुझे दिखाना है कि मेरी वैल्यू वही है जो कुछ टाइम पहले थी, मैं चेंज नहीं हो गया हूँ। क्योंकि देखिए विराट कोहली से कंपैरिजन किया जाता है, विराट कोहली की बुरी फॉर्म भी 35-40 के एवरेज पर थी, तो उस तक आकर देखिए तो थोड़ा सा मजा आएगा आपको भी। विराट कोहली पर्थ में खेले थे 2018 में, पर देखिए पर्थ की तो बात, विराट कोहली की ऑस्ट्रेलिया से बात छोड़ दीजिए, जस्ट बता रहा हूं, हाँ, बता दीजिए, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि विराट कोहली अगर ऑस्ट्रेलिया में आकर के खेल रहे हैं तो वो उनका दूसरा होम ग्राउंड है, आप उनकी बात छोड़ दीजिए, उनसे कंपैरिजन छोड़ दीजिए, मतलब कंपैरिजन की बात नहीं, उस इंसान को कुछ अलग हो जाता है ऑस्ट्रेलिया के, 8 रन पे 2 विकेट थे इंडिया के, 8 रन पे 2 विकेट, आप इससे बहुत बेटर पोजीशन पे आए थे, 8 रन पे 2 विकेट, उसके बाद ये बंदा शतक मार के जाता है, और मिचेल जॉनसन वगैरह होते हैं वो जो लेट द बैड डू द टॉकिंग 2018 के साल में पर्थ में, तो भैया आप कंपैरिजन करने वैसे कर लो, बाकी आपकी मर्जी है। खैर आपको क्या लगता है कि यहां से पाकिस्तान जीत वाले सपने देखेगा, ड्रॉ के देखेगा, या फिर फारूक की तरह चलो इज्जत से हार जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।